day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some. वेलकम गाइस एक नए और शानदार ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मकर संक्रांति है और मैं, कुंदनचा और मेरा भाई आयकर साइकिल से जा रहे हैं। तीन लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने। फ्रेंड्स, इतनी ठंडी में नहाना बहुत मुश्किल है। बहुत मतलब हमारे तो एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इतनी हवा चल रही है, हम लोग ऐसे भी ठंडी में दो तीन गैप करके नहाते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लेकिन नहाएंगे और कितना फोर्स करने पे मैं नहाया सब कुछ दिखाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बंद रहना, बहुत मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। देखो मतलब वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे। और गंगा जी हमारे यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पे है, तो साथ में रहना। बहुत जल्द पहुंचने वाले, पहुंच गए दोस्तों। देखो ये लोगों की भीड़, अभी तो स्टार्टिंग है, ये करीब 2 बजे तक भीड़ चलता है। बहुत लोग हैं, आपको दूर से मैं शूट कर रहा हूँ तो लग रहा है कि बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इस पार और उस पार भी हैं। तो देखते हैं, बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों। बहुत पानी ठंडा होता है, ऊपर से इतनी तेज़ हवा, इतनी ठंडी, और इतने में अगर कोई शर्ट, टी शर्ट, स्वेटर उतारना पड़ता है तब इतनी ठंड लगती है। तो नहाने के बाद ही छोड़ दो। देखो, देखिए जा रहे हैं कुंदन चाचा और मेरा भाई, देखो कूद कूद के जा रहे हो। देखो देखो जा रहे नाव पे, मैंने मना किया। देखो नहा नहीं रहा है, ठंडी इतनी है, देखना। ओ शिट देखना भागेगा कुंदन चा भी नहा रहा है। देखो भागा 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 भागा। ये मेरा छोटा भाई है। अब मेरी बारी आ गई। चाहे कितनी भी ठंडी हो, नहाना तो होगा ही, क्योंकि यहाँ से भिगाना है, लौट के जाना भी अच्छा नहीं है। देखते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है 1-2 डुबकी से ज़्यादा नहीं लगा पाऊँगा। बहुत ठंडी है, हवा चल रही है। तुलसी माता जी हैं, इनको हम विसर्जित करेंगे पानी में, विसर्जन। फ्रेंड्स, पानी इतना ठंडा होता है ना कि एक बार उतना जितना मतलब बॉडी अंदर जाता है पानी के अंदर, उतना लगता है कि सन्नाटा हो गया। मैं ज़्यादा पानी में नहीं जाऊँगा। देखो घुटने पर पानी में खड़ा होके जय हो, वहीं से डुबकी लगाऊँगा। क्योंकि यहाँ के पता है, यहाँ पे अंदाज़ा नहीं होता, कहीं गड्ढा जाता है, कहीं सूखा होता है, फिर कहीं गड्ढा, ऐसे ऐसे। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि गंगा नदी बहुत बड़ी है। एक डुबकी, दूसरी डुबकी, और भागा भागा। बहुत ठंडी है फ्रेंड्स। अब नहाने के बाद अपना जो भी चावल वावल छूना होता है, ओम नमो नारायण, उसके बाद तिलकुट खा रहे फ्रेंड्स। बस इतना ही ब्लॉग था, गंगा स्नान दिखाना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत मज़ा आया नहा के। थैंक्स फॉर